हमने यहाँ पे मेथी लिया है, एलोवेरा, नींबू और चाय पत्ती को पानी में उबाल कर रख लिया है थोड़ी सी। अब हम तीनों को ऐड करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया है जार, उसमें डालेंगे हम मेहंदी। और हम मेहंदी यहाँ पे डाल लिए हैं। यहाँ पे हम नींबू निचोड़ दे रहे हैं, इसका जो रस होता है इससे मिक्स हो जाएगा आसानी से। अब डालेंगे हम चाय पत्ती का जो पानी था। चुका है, मैं ज़्यादा ब्लैक नहीं बनाऊंगी, इतना ही पे रखूंगी। तो अब हम इसे अपने बालों में लगा लेंगे और फिर इसमें शाइनिंग आएगा मेरे बालों में इंशाल्लाह। हमने यहाँ पे बेसन ले लिया है देखिए, और इसमें हम नींबू निचोड़ देंगे इसमें। अब थोड़ी सी हम इसमें दूध डालेंगे, मिल्क। मेरा चेहरा मुलायम हो जाएगा और इस पर निखार आएगी, इसके लिए हम मिल्क ऐड किया है इसमें देखिए। अब हम इसे मिला लेंगे। मिलाने के बाद हम फिर इसमें एलोवेरा लेंगे। हमें सिर्फ चेहरे पे लगाना है तो थोड़ी मात्रा में हमने लिया है। अब हम इसे फेंट लेंगे। फेंटने के बाद इसका कलर ऐसे आएगा। कुछ देर के लिए हम आइस बॉक्स में रखेंगे, देखिए हम रखते हैं इसको। इसके बाद हम इसे फिर निकालेंगे, देखिए आइस बॉक्स में रखा था, इसका कलर चेंज हो गया है, आइस जैसा हो गया है। फिर हम अपने चेहरे पे इसको लगाएंगे। तो 20 से 25 मिनट तक अपने चेहरे मसाज करिए, जिससे इसका निखार बहुत अच्छा आएगा। देखिए लगाने के बाद ही इसका कलर चेंज हो रहा है, आप खुद देख सकते हैं। और देखिए कितना चमक है इसमें। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा। थैंक यू।